व्याकरण के अंतर्गत आज आप समास पढ़ेंगे। समास, जैसा कि बच्चों पिछले वीडियो में आपने समास की परिभाषा और समास के भेद पढ़े थे, परिभाषा एक बार और सुन ले बच्चों। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना, किसी सामासिक पद को संक्षिप्त रूप से लिखना समास कहलाता है। समास के मुख्यतः 6 भेद दिए गए हैं इसमें, जिसमें से बच्चों आपके पाठ्यक्रम में 4 भेद बताए गए हैं। नंबर 1, कर्मधारय समास। बच्चों कर्मधारय समास में आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। इसमें पहला पद विशेषण एवं दूसरा पद विशेष्य होता है। बच्चों विशेषण और विशेष्य क्या होता है ये जानते हैं। विशेषण अर्थात जो दूसरे पद की विशेषता बताता हो। बच्चों आप लोगों ने उपमा अलंकार पढ़ा होगा, उसमें भी आपको पता होगा कि विशेषण विशेष उपमेय और उपमान कहलाता है। किसी भी वस्तु की तुलना करना उपमेय और किससे तुलना की जा रही है वो उपमान कहलाता है। समास में विशेषण उपमेय कहते हैं और विशेष्य को उपमान कहते हैं। इसीलिए जैसा कि इसका उदाहरण बच्चों यहाँ पर लिखा गया है कि रक्त कमल, रक्त है जो कमल अर्थात लाल है जो कमल। कमल की विशेषता किससे बताई जा रही है, लाल रंग से या रक्त से। तो रक्त इसमें क्या हुआ, विशेषण और विशेष कमल हुआ, जिसमें पहला पद विशेषण। बच्चों इसमें पहला पद ये हुआ और दूसरा पद ये हुआ, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष अर्थात लाल है जो कमल। इसी प्रकार बच्चों नील गगन, इसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष अर्थात पहला पद उपमान और दूसरा, पहला पद उपमेय और दूसरा पद उपमान। उपमेय जिसकी तुलना की जा रही है, उपमान जिससे तुलना हो रही है। नीला गगन अर्थात पहला पद उसका विशेषण है, गगन की विशेषता क्या बता रहा है, नीला रंग। गगन अर्थात आकाश, आकाश किस रंग का है, नीले रंग का, अर्थात गगन की विशेषता नीला रंग बता रहा है। इसलिए पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हुआ। अगला उदाहरण देखिए बच्चों, श्वेत कमल। कमल की विशेषता क्या बता रहा है, श्वेत अर्थात सफेद रंग। कैसा कमल है, सफेद रंग। इसमें बच्चों देखो पहला पद विशेषण हुआ और दूसरा पद विशेष्य हुआ। कमल की विशेषता क्या है कि वो सफेद है। कमल की विशेषता कैसे बताई गई है, उपमेय और उपमान के माध्यम से अर्थात विशेषण और विशेष्य के माध्यम से। इसकी विशेषण क्या होता है, किसी भी वस्तु की विशेषता जिसके माध्यम से बताई जाती है वो विशेषण कहलाता है, अर्थात कमल की विशेषता श्वेत रंग है। बच्चों अगला उदाहरण देखते हैं, नील गाय। गाय, गाय का, गाय की विशेषता क्या बता रहा है कि वो नीली है, नीली है जो गाय। नील गाय अर्थात पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। बच्चों इस प्रकार कर्मधारय समास, एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन देखिए, जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। जिस प्रकार उपमेय और उपमान होता है, उसी प्रकार विशेषण और विशेष्य भी होता है। बच्चों इसके उदाहरण लिखे गए हैं जैसा कि मैंने अभी आपको समझा दिया। दूसरा समास है द्वंद समास। द्वंद समास की परिभाषा देखते हैं बच्चों। इसमें दोनों ही पदों की प्रधानता होती है, दोनों पदों के बीच में और शब्द का लोप होता है। जैसा कि बच्चों पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इसमें योजक चिन्ह या और, जिसको योजक चिन्ह के माध्यम से और का लोप होता है, और ज्यादातर शब्द इसमें विलोम शब्द का प्रयोग होता है। जैसा बच्चों आइए उदाहरण देखते हैं, यश अपयश, यश और यपयश, अपयश। इसमें और शब्द का योजक चिन्ह बच्चों ये होता है जो आप डैश लगाते हो
उसको हिंदी में योजक चिन्ह बोलते हैं। योजक चिन्ह के माध्यम से और का लोप होता है। दूसरा देखते हैं बच्चों, माता पिता, इसका विग्रह करेंगे तो माता और पिता, इसमें भी बच्चों देखो और शब्द का लोप हुआ है। अमीर गरीब, इसका विग्रह करते हैं अमीर और गरीब। तो बच्चों इसमें ज्यादातर शब्द विलोम शब्द ही आए हैं, इसलिए इसको इसकी परिभाषा अगर चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो कि इसमें ज्यादातर शब्द विलोम शब्द में ही प्रयोग होते हैं। इसमें दोनों ही पदों की प्रधानता इसलिए होती है क्योंकि दोनों ही पद महत्वपूर्ण होते हैं। बिना किसी एक पद, इसमें दोनों पद की महत्वपूर्ण इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें और शब्द का लोप हो जाता है। बच्चों आइए तीसरा समास पढ़ते हैं, द्विगु समास। इसका पूर्व पद संख्यावाचक होता है। पूर्व पद अर्थात जो पद पहले आता है, पूर्व पद संख्यावाचक होता है तथा वह समूह का बोध कराता है। समूह जिसको समाहार बोलते हैं। जैसे बच्चों इसका उदाहरण देखिए, त्रिफला, पहला पद जैसा कि बताया गया है संख्यावाचक, त्री क्या है संख्यावाचक, जिसको तीन का बोध जो करा रहा है, त्री का अर्थ तीन का बोध करा रहा है, तीन फलों का समूह, समूह क्या समाहार का बोध करा रहा है, अर्थात तीन चीजें जहां इकट्ठी है, तीन फल जहां इकट्ठे हैं उसको हम त्रिफला बोल सकते हैं। दूसरा देखिए बच्चों, सप्त सिंधु, सप्त क्या है संख्यावाचक है, संख्या का बोध करा रहा है, सप्त मीन्स सात होता है, सप्त सिंधु, सिंधु मीन्स समुद्र, सात समुद्रों का समूह, जहां पर समूह या समाहार का बोध हो रहा है वहां पर द्विगु समास होता है। पहला शब्द जैसा कि बच्चों परिभाषा में लिखा है, इसका पूर्व पद संख्यावाचक होता है। इसमें जितने भी उदाहरण लिखे हैं आप देख सकते हैं, इसमें पहला शब्द, इसका पहला शब्द संख्यावाचक है, सप्त सिंधु अर्थात सात समुद्रों का समूह। अगला देखिए बच्चों, शताब्दी, देखते हो आप, सौ सालों का समूह अर्थात सौ अब्दों का समूह। सत क्या है, सत संख्यावाची है, सत संख्यावाची है, सत मीन्स होता है सौ, सौ अब्दों का समूह अर्थात सालों का समूह, सौ साल जहां पर इकट्ठा होंगे उसको शताब्दी बोलते हैं। इसलिए बच्चों इसी प्रकार इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे चौराहा, चौराहा में चौराहा शब्द है, पहला पद संख्यावाचक है और दूसरा शब्द उसके समाहार का या समूह का बोध करा रहा, अर्थात चार राहों का समूह, जहां पर चार राहों का समूह होगा उसी को तो हम चौराहा बोलते हैं। तो ये द्विगु समास का उदाहरण है। बच्चों अगला और लास्ट देखते हैं, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में इसकी परिभाषा देखते हैं। इस समास में न पूर्व पद प्रधान होता है और न ही उत्तर पद, अर्थात न पहले का पद सब प्रधान होता है और न बाद वाला पद, इसमें किसी तीसरे पद की प्रधानता बताई गई है। और बच्चों इसमें तीसरे पद की प्रधानता किस प्रकार, किसी विशेष व्यक्ति के लिए जहां पर संबोधन किया जाता है वो तीसरा पद है। इसका उदाहरण देखते हैं, चतुरानन, बच्चों चार मुख किसी भी साधारण व्यक्ति के नहीं होते, इसलिए इसमें ना पहला पद प्रधान ना दूसरा पद, अर्थात किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है, अर्थात चार मुख ब्रह्मा जी के होते हैं इसलिए उन्हें चतुरानन कहा जाता है। पंचानन, इसी प्रकार बच्चों पांच मुख, जैसे दशानन लिखते हैं तो दश आनन अर्थात दस मुख वाला व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा, वो कोई विशेष व्यक्ति के को इंगित करते हैं, इसलिए इसमें ना पहला पद प्रधान होता है
और न दूसरा, बल्कि यहाँ पर किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है, अर्थात रावण के दशमुख होते हैं। इसी प्रकार नीलकंठ, नीलकंठ नीला है कंठ जिसका, अर्थात नीले रंग का नहीं, किसी कारणवश भगवान शिव को हम नीलकंठ बोलते हैं, इसीलिए इसमें ना पहला पद प्रधान ना दूसरा पद बल्कि तीसरे पद की प्रधानता बताई गई है। नीला, उनका कंठ नीला क्यों हुआ, क्योंकि वो उन्हें विषधर भी कहा जाता है, वो विष को धारण करने से उनके कंठ का रंग नीला हो गया था, इसी प्रकार इसीलिए उन्हें नीलकंठ की उपाधि दी गई, अर्थात नीलकंठ किसी विशेष व्यक्ति के लिए कहा गया है जिसके कारण इसमें तीसरे पद की प्रधानता है। नीलकंठ नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। बच्चों इसमें आप एक बार इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और कोई इसमें समस्या हो तो आप पूछ सकते हो, बाकी इसके आगे का हम अगले वीडियो में पढ़ाते हैं। धन्यवाद।